पास एक एसटी बस्ती है, जैसा आप वहाँ पे देख सकते हैं, इंजन बौली के पास एकदम लग के हैं फलकनुमा का वो रेलवे स्टेशन के पास। इतना गंदगी है, इतना कचड़ा है वहाँ पर, खास करके वहाँ पर ड्रेनेज के पानी में पीने का पानी मिल जाता है और एक ही बोर है वहाँ के लोगों को, किसी को भी ठीक तरह से पानी नहीं मिलता है। इतने कचड़े में मेरे हिसाब से कोई इंसान भी नहीं जी सकते। और वहाँ पे दो ड्रेनेज के लाइन्स निकलते हैं, एक वो जो रेलवे स्टेशन है उसके ऊपर से एक लाइन आता है और उसके वी एंगल पे यानी कि 90 डिग्रीज पे और एक वाला निकलता है। ये सारा ड्रेनेज पानी बाहर निकालने का कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ क्योंकि ये एसटी बस्ती है, यहाँ से कोई आके बात नहीं कर सकते, पूछ नहीं सकते, रेलवे के जमीन पर इसको छोड़ दिए हैं। कभी आप यकीन कर सकते हैं 15-20 हजार लोगों का ड्रेनेज पानी का एसटी बस्ती से निकलते हुए वो कॉलोनीज का गंदा पानी रेलवे जमीन पे छोड़ दिए, तो बोलते इसका फिर बाहर निकलने का व्यवस्था ही नहीं है यहाँ पर। ये है एसटी बस्ती का हालत और कई सालों से चल रहा है ऐसा। इसमें पीने का पानी भी मिल जा रहा, लोगों को वॉमिटिंग होने वहां पर, बुखार चढ़ी हुई है। और कई दुनिया के जमाने में बने तेलुगु देशम पार्टी के जब पे बने हुए घर है वो, और वो पूरे टूट के नीचे गिर रहे। एक जमाने में 14 लोग भी मर गए वहां पर। ना इनका वहां पे गवर्नमेंट स्कूल है, अब जाके देखिए तो प्राइमरी स्कूल का कितनी बदतर हालत है उसका, उसका उसका बाथरूम सही नहीं है, वहां तो कोई एक ही टीचर बंदा कब आता नहीं मालूम, कब चले जाता नहीं मालूम। अरे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाई करे तो ही नौकरा नहीं मिल रहे आजकल। आप इस प्रकार के रखकर आप गवर्नमेंट स्कूल चला रहे तो क्या फायदा उन बच्चों का, उन्हें क्या पढ़ना, वहां से क्या बन के जाना, क्या नौकरियां आना इन लोगों को। यानी हम इसको छोड़ेंगे नहीं, हम इस व्यवस्था के बारे में अभी हम कंप्लेंट लॉन्च करेंगे और देखेंगे जीएचएमसी में भी हम लोग इस ड्रेनेज व्यवस्था का और पानी का व्यवस्था का भी, वो कचड़ा क्यों नहीं निकाला जा रहा है, क्यों नहीं निकाला जा रहा कचड़ा यहाँ पर, इसका भी हम लोग एक कंप्लेंट दर्ज करने वाले हैं। हम देखेंगे आगे, लेकिन कैसा ये इसके ऊपर रिएक्ट करेंगे यहाँ का प्रशासन देखेंगे, लेकिन इसको तो हम छोड़ेंगे नहीं, उन लोगों को न्याय दिलाकर ही रहेंगे।